मनोरंजन एमआरपी बॉस की आप लोग बाइक ले लो एक मिनट अभी आप लोग ना काम के वक्त मैं भी थोड़ा जाता हूँ पलक को भी ले लीजिए काम है भाभी एक्चुअली हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार होते हैं जब वो पैदा होता है और जब वो बूढ़ा होता है एक्चुअली हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार होते हैं जब वो पैदा होता है और जब वो बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाता है तो ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का जो सफर होता है उसमें बहुत सारे महिला वहाँ ढूंढ लें बहुत से किरदार हालात की वजह से बदल जाते हैं बहुत से किरदार रिश्तों की वजह से बदल जाते हैं शुरू में आप बेटे रहते हैं अलग अलग बाद में आप भैया बन गए बाद में उसके बाद आप सैया बन गए चाचा बन गए दादा बन गए बहुत सारे किरदार होते हैं इसमें भी मेरा जो किरदार है एक ऐसा बंदा जो अहिंसा का पुजारी था वो आखिर हिंसा की ओर क्यों मुड़ जाता है यही इस फिल्म की कहानी है मैं पूरी कहानी ओपन नहीं करूंगा मैं चाहूंगा दर्शक जाए और देखें फिल्म को फिल्म में एक लाइन लिखी हुई है पोस्टर पे एक लाइन है कि सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे मैं बार बार कहता हूं लोग जातिवाद में पड़े रहते हैं जातिवाद है ऊंची जात वाले भी हैं और नीची जात वाले भी कुछ उच्च भी है और नीच भी है पर मेरे ख्याल से नहीं मैं मेरा पूरा यकीन है कि बड़ी जात का वो है जो शिक्षित है और नीच जात का वो है जो अशिक्षित है मैं ये नहीं कहता जो बिल्कुल अशिक्षित है वो नीच है मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जिनको पढ़ाई करने का मौका मिलता है और फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते हैं उनसे बड़ा नीच कोई नहीं है फर्ज बनता है कि जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर समाज चाहे मदद करें वो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है आने वाली जो जनरेशन है वो शिक्षित हो सकती है और हमारे समाज में सिर्फ उच्च जात के ही लोग रह जाएंगे और हम खाली अपने देश में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे बहुत तरक्की कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत है नहीं मैंने कहा ना कि मैं अपमानित उस इंसान को कर रहा हूँ जो जिसको पढ़ाई करने का मौका मिलता है पर वो पढ़ाई नहीं ऐसा इंसान नीच ही हमारे समाज के लिए क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को क्या देता है वही शिक्षा मैं चाहूँगा मैं इस बारे में उनसे कोई कुछ भी पूछ सकता है बिकॉज मैं कहते हैं ना सांच को आँच किया मैं बहुत निर्छल मन इंसान हूँ मुझे लगता है कि मन के ठीक नहीं मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ मैं ये ठेस उनको ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ कहते हैं ना कभी कभी किसी को तराशने के लिए ना हथौड़ी मारनी पड़ती है तो ये हथौड़ी मेरी खास करके उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ने शब्द में ही नहीं नहीं शब्द देखिए एक शब्द के 50 मतलब होते हैं कहते हैं कि शब्द को आप किस तरह किस तरह मैं बिल्कुल बता दूं कि जहर को अगर जहर सुन के सब डरते हैं पर बहुत जगहों पर जहर से दवा बनती है जहर का इस्तेमाल बुरा होता है समाज जो मैं कह रहा हूँ उसको समाज जरूर एक्सेप्ट करता है बिकॉज उसी समाज में मैं रहता हूँ और जब मैं सबके समक्ष इन बातों को कहता हूँ तो कोई मुझे जूते नहीं मारता अगर मैं गलत हूँ मेरे समक्ष बहुत सारी पब्लिक है जूते निकाल के मुझे मार सकती है अगर मैं गलत हूँ तो तालियां मत बजाना मैं सही हूँ तो सब ताली जरूर बताना आप जो कह रहे हो सही है मैं बिल्कुल सही हूँ बिकॉज मेरी माँ कहती है मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे क्योंकि जहाँ अनुभव होता है वहाँ आप नहीं होती। बहुत देखता हूं मैं। और मैं नहीं चाहता मैं भी नहीं चाहता मेरे भाई कभी हारे और मैंने जो भी कुछ सीखा है अपने बुजुर्गों से सीखा है ये लास्ट सवाल रहेगा ये आपकी जो पहली है इससे पहले आपको नहीं मेरी बहुत सारी फिल्में रही हैं लहरिया लूटा है राजा जी मैं नागिन तू नगीना कैसन पियावा के चरित्र बा मैं बता दूं मैं पहले एक असिस्टेंट था राज कपूर जी की तरह मैं भी छठे सिक्स नंबर का असिस्टेंट हुआ करता था जब मैं दूसरों को सीन देता था तो लोग कहते थे भैया आप बहुत अच्छा सीन करते हैं आप बहुत आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी है आपका लुक बहुत अच्छा है और इस लुक को उन लोगों ने हजम कर लिया और एक नॉर्मल असिस्टेंट हीरो बन गया
बीच में थोड़ा सा गैप भी पड़ा। कहते हैं जब आप पढ़ाई हार्ड करते हैं, मेरे पापा अब दुनिया में नहीं है, पापा कहते थे मनोज जो पढ़ाई करता है एग्जाम उसी का होता है, कभी अंगूठा छाप के एग्जाम नहीं होता। तो बोलते थे मेरा बेटा पढ़ाई बहुत करता है, शायद इसीलिए बीच में मेरा एग्जाम हो गया था और मैं राजनीति नहीं जान पाया था। कहते हैं ना राजकरण गजकरण होता है, उस गजकरण में मैं थोड़ा फंस गया था। ये ऐसा गटर है बंद रहे तो ही बेटर है, तो इसलिए इस गटर को मैंने बंद कर दिया और फिर मैं आगे बढ़ गया। आपने क्योंकि आपने जो जस के नाम सवाल आता है, आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, इससे आप क्या कर रहे हैं? मैं जिससे आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं मनोज आर पांडे, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने अश्लीलता के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम उठाई है और आज से नहीं शुरू से उठाई और काफ़ी हद तक मैंने बीच में बैन भी करवा दिया था। बीच में आप लोगों ने एक गाना सुना था चाची की बाची सब पटना में, जिस पर मैंने बहुत अच्छी बात कही थी कि चाची की बाची मतलब आपकी बहन हो गई तो बहन सपने में आती है। मैं पूरे समाज से सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप अपनी भाभी के साथ मजाक करते हैं? फिर भाभी को लेकर आप गंदे गाने कैसे बनाते हैं? अगर आप लोग मुझे भैया कहते हैं और चाची की बाची सपनों में आती है तो आप सबकी बहन मेरे सपने में आती है, बताइए क्या ये सही है? फिर तो मुझे जूते निकाल कर मारना चाहिए आप सब। नहीं नहीं देखिए एक बात है, ये कंटिन्यू है। अब भगत सिंह जी आपने जो मोदी का जिक्र किया जी जी के नाम पे क्या थी? आप बता दीजिए कहाँ है लहरिया लूटा है राजा जी, कहाँ अश्लीलता है बताइए? उस फिल्म को आप देखिए, अगर उसमें एक भी अश्लीलता हो तो बता दीजिए, सुपर डुपर हिट रही है। लहरिया लूटा है राजा जी लोगों ने देखी है ना, उसमें कहीं अश्लीलता है? मैं नागिन तू नगीना किए, मैं एक ऐसा हीरो जो अश्लीलता बिल्कुल नहीं करता। अभी भी आपने फिल्म देखी है, पूरी फिल्म में अगर एक अश्लीलता, एक किस फिल्म में अश्लीलता है? जोर से बोलिए। मैं देखिए सांच को आँच के बस यही है जनता दरबार की।